यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप के बाद जब से उसने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ा है, इधर यूपी में तो सियासत गरमाई हुई है ही, उधर बिहार में भी हाथरस कांड छाया हुआ है। चुनावी मौसम में बीजेपी विरोधी पार्टियां हाथरस का मुद्दा उठाकर बेटियों की सुरक्षा के नाम पर नीतीश सरकार को घेरने लगी हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में जैसे ही बीजेपी समेत पूरे एनडीए को घसीटने की कोशिश की तो छोटे मोदी यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मैदान में कूद पड़े। दरअसल हाथरस में हुए जघन्य कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, जघन्य हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड ने सरकार, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने अपनी स्त्री और दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर रेखांकित किया है। देश समझ चुका है, बेटी बचाओ एक चेतावनी थी। तेजस्वी यादव ने चुनावी नारा देते हुए कहा, बेटियों से अगर हो प्यार तो एनडीए का करो तिरस्कार। तेजस्वी यादव ने जैसे ही बिहार चुनाव में हाथरस का मुद्दा उठाया तो बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा, हाथरस की एक बेटी के साथ गैंगरेप और पीड़िता की मृत्यु की दुखद घटना के बाद यूपी सरकार ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार को तुरंत 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी और सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रेप की दो घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, आरजेडी यदि इस पर राजनीति करना चाहती है तो बताए कि उसने नवादा की छात्रा से बलात्कार के मामले में दोषी तत्कालीन विधायक राजबल्लभ यादव को बचाने की कोशिश क्यों की थी। अभियुक्त राजबल्लभ से लालू प्रसाद ने अकेले में क्या बात की थी। राजद के जिस विधायक अरुण यादव ने काला धन छिपाने के लिए एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट खरीदे, उन्हें बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से कौन बचा रहा है। हाथरस की घटना से भाजपा या योगी सरकार का कोई संबंध नहीं है, जबकि बिहार में बलात्कार की दो घटनाओं में राजद दोषी या अभियुक्त है। यूपी में जंगल राज नहीं, योगी राज है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जो सवाल आरजेडी से पूछे हैं, उम्मीद है बिहार में हाथरस कांड का मुद्दा छेड़ने वाले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी उसका जवाब जरूर देगी। बहरहाल बात हाथरस कांड की पीड़िता की करें तो राजधानी दिल्ली में दम तोड़ने वाली बेटी का शव आधी रात को खेत में ही जला दिया गया। जिंदा रहते उसे दरिंदों ने नोचा और मरने के बाद ना तो उसे आखिरी बार घर की दहलीज पर ले जाया गया और ना ही शमशान नसीब हुआ। पीएम मोदी ने खुद सीएम योगी को फोन कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है, जिसके बाद योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया है जो 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं पीड़िता के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और घर भी दिया जाएगा, जबकि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी।